ये कहते हैं कि 5,000 साल पुराना मंदिर है। 500 साल। ये 5,000 वर्ष पुराना मंदिर है और इसमें मानसून आने के पहले पानी टपने लगता है। और कुछ विशेषता है आगे? और विशेषता है कि यहाँ बिजली नहीं गिरती। हमारे आगे आज के आधुनिक कुशल कारीगरों द्वारा शायद मुनासिब नहीं है बनाना इस तरीके की। ये जो हम लोग अब जो मंदिर हम लोग बनाते हैं, आइए आगे चलते हैं, यहाँ आवाज़ें क्लियर नहीं आ रही हैं। से चल रहे हैं एक दूसरी मंजिल की ओर। यहाँ आने के बाद हालांकि मेरा इरादा भी था और यहाँ पता भी लगा हमको कि बेहटा बुजुर्ग जो कि एक विख्यात प्राचीन मंदिर है और वो भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, उसकी भी मतलब एक रहस्य उसमें भी। तो ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आने वाला है, तो आगे लेकर के चलते हैं, बेहटा बुजुर्ग को दिखाते हैं, बने रहिएगा व्लॉग पे। तो आप लोग देख रहे हो हम लोग भीतर गांव मंदिर भीतर गांव इमारत निपटा चुके हैं, अपना व्लॉग शूट कर चुके हैं और अब सीधे प्रस्थान कर चुके हैं उसके आगे भारत का एक और जाना माना विख्यात मंदिर, जहां से मानसून की मतलब शोधकर्ताओं का मानना है कि मानसून जो है जो होता वहीं से तय किया जाता है कि यहाँ मानसून कब आने वाला है। तो वहाँ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और सीधे चलते चले जा रहे हैं। आप लोग ब्लॉग पर बने रहिएगा। नहीं, पुरानी मूर्तियाँ हैं और प्राचीन मंदिर है, यानी कोई ये नहीं बता सकता कि ये कब का बना हुआ है। अच्छा, वो भी किसी को नहीं मालूम कब का बना? कोई नहीं बता पाया आज तक, हम वहीं के रहने वाले हैं बेटा। वो बताते हैं उसमें मानसूनी पत्थर, हाँ मानसूनी पत्थर है लगा हुआ है पहले खंड में मंदिर में, अंदर जैसे प्रवेश करेंगे उसमें ऊपर लगा हुआ है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये बात पूछेंगे कि इस मंदिर तक आना कैसे, जो लोकल निवासी यहाँ के होंगे या दूर के भी कोई होंगे अगर यहाँ पर आना चाहते हैं, तो मैं उनको यहाँ बता दूँ कि अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो सर्वप्रथम तो बाहर के लोगों को तो कानपुर आना पड़ेगा, और जो कानपुर के निवासी हैं उनको कानपुर के आगे का मैं बता देता हूँ कि नवस्ता से सीधे आपको जो है चले आना है रमईपुर, और रमईपुर से सीधे आपको जो है रास्ता चला गया है भीतर गांव का। तो भीतर गांव किसी से भी पूछ लीजिएगा, तो भीतर गांव आने में आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि भीतर गांव आएंगे तो आपको भीतर गांव का प्राचीन मंदिर मिलेगा, और उसके बाद भीतर गांव से ही सीधे कहीं नहीं मुड़ना, आपको सीधे चले आना है बेहटा बुजुर्ग, नाम है इस क्षेत्र का भी और इस प्राचीन मंदिर का भी। तो ये है उसका पूरा ठीक ठाक पता जो शॉर्ट में मैंने बताया, और डीपली जानना चाहेंगे तो आने के बाद लोग आपको बताएंगे या तो मुझे बताएंगे तो मैं कमेंट पे आपको बता दूंगा। ये थी जानकारी। और ये हम लोग आ चुके हैं इस वक्त बेहटा बुजुर्ग, यानी कि मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, ये बोर्ड आप पढ़ सकते हो। और गाड़ी बंद कर लो भाई, गाड़ी इंजन बंद कर लो। और ये बोर्ड मिल चुका है हम लोगों को बेहटा बुजुर्ग जाने का, और ये वो रास्ता है जगन्नाथ मंदिर जाने का। वो मंदिर है, मंदिर मिल गया है, मंदिर सामने है, कुछ लोग भी यहाँ पर बता रहे हैं, तो चलते हैं आगे लेकर के आपको। चलो भाई, और ये रास्ता चल रही है, हाँ दिखा तो रहे हैं भाई, नहर है, नहर किनारे रास्ता। और जूम यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो जूम भी कम कर लें। और ठंड लगने लगी है, सूर्य हमारे सर पर चढ़ के बोल रहा है, आवाज़ आ रही। और ये आ चुका है बेहटा बुजुर्ग का वो मंदिर, विख्यात मंदिर, देख सकते हो आप, हम लोग करीब हैं। और यहाँ कुछ शायद गाने बाजे की व्यवस्था है, कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, मेला वगैरह क्या चल रहा है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ओह, ये कुछ मंदिर चल रहा है, मंदिर है क्या है ये, यहाँ जाने का रास्ता यही है, हाँ यही है। और ये है, ये रहा वो बेहटा बुजुर्ग मंदिर जहाँ हम लोग आ चुके हैं, और
ये है वो मंदिर, आवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं तो कुछ सुनाई नहीं देगा आपको, और मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा दिखाने का। पास से कुछ यहाँ पर तंबू का नाथ लगा हुआ है, तो किसी तरह की भागवत कथा या कुछ आयोजन है। और ये गांव के भैंस और कुछ पेट मिल गए हैं, गांव का सीन। और ये रहा बेटा बुजुर्ग का। ओ ये हम लोग पधार चुके हैं, सिधार चुके हैं गांव में बेटा बुजुर्ग में। ये कुछ जानवर, चलो भाई। बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, और कुछ आयोजन है यहाँ पर किसी तरीके का। और अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है यहाँ का, किस तरह से यहाँ एंट्री होनी है। चलिए दिखा, कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हमारी लिपि भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों में ही दी हुई है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों को पॉज करके देख लेना है और उसके बाद इस मंदिर के रूल को फॉलो करना है। जो भी हो, हमारे विदेशी पर्यटक या विदेशी भाइयों के लिए ये, और हमारे सभी अपने मित्रों के लिए, मित्रगणों के लिए, भाइयों के लिए ये। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको नज़दीक से दे दूंगा। कुछ शादी वगैरह का आयोजन है शायद यहाँ मंदिर के आसपास क्षेत्र में, तो उसकी वजह से आप लोगों को क्षमा प्रार्थी हूँ कि पूरी तरह मेरी आवाज़ शायद नहीं मिल पा रही होगी, लेकिन मंदिर देखते जाइए आप। मंदिर को ऊपर से नीचे तक हम आपको दिखाते हैं, और ये देखिए अभी इसको हम दूर से भी आपको शूट करके दिखाएंगे। यह मंदिर के आसपास का क्षेत्र है, और ये बारात जा रही है मंदिर के बगल से। मित्रों, हम लोग इस बेटा बुजुर्ग मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन इस वक्त जो है लगा हुआ है बहुत बड़ा, तो देख करके आनंद आ रहा है। अभी चलते हैं, आपको अंदर भी दिखाते हैं। चारों तरफ से इसकी जो रंगत है वो आप सभी को अभी यहाँ पर नज़र आने वाली। फ़िलहाल यहाँ पर हमको पंडित जी मिले हैं, उनसे कुछ जानकारियाँ यहाँ की लेते हैं, इस विषय में यहाँ पर पूछते हैं, इनसे पूछताछ करते हैं कि क्या है यहाँ की विशेषताएँ, और ये बेटा बुजुर्ग जो मंदिर है मतलब ये कब बना, किसने बनवाया, और मतलब इसकी विशेषता क्या है। हम लोगों को जो मालूम पड़ा है कि मानसून वगैरह तय होता है यहाँ से, तो बाकी आप बताइए। ये बनवाया किसी ने, बनवाया किसी ने नहीं इसको जी। ये कहते हैं कि 5,000 पुराना मंदिर है ये। 500 साल, 5,000 वर्ष, 5,000
ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर है ऐसा इन्होंने बताया हम लोगों को। और इसमें मानसून आने के पहले पानी टपने लगता है। मानसून भारत में आने से पहले? नहीं, इस कम से कम क्षेत्र में, मंदिर के आसपास के इलाके में, क्षेत्र में, जिससे मालूम चल जाता है हफ्ते दिन या 15 दिन में पानी बरसेगा। हाँ, मानसून आ जाएगा, पानी बरसेगा। और जितना ज़्यादा पानी टपकेगा उतने ज़्यादा बरसात होगी, उतनी ज़्यादा बारिश बारिश होगी। ये पानी कहाँ, मंदिर के गुम्बद पे अंदर? गुम्बद से नीचे आता है, गुम्बद से नीचे अंदर ही अंदर अंदर बीचों बीच टपकता है, बीचों बीच टपकने लगता है अपने आप मानसून आने से पहले। इसका कोई स्रोत नहीं है, कहाँ से? ना कोई स्रोत नहीं है। पंडित जी के द्वारा एक अच्छी जानकारी मिली है और काफ़ी रोचक जानकारी कही है, ऐतिहासिक जानकारी ये है कि ये जो मंदिर है इस एरिए को, पूरे इस क्षेत्र को बेटा बुजुर्ग नाम से ही जाना जाता है और उसी नाम पर इस मंदिर का भी नामांकन किया गया है। और विशेषता यहाँ की ये बताई है पंडित जी ने कि जो मानसून, अभी तक हम लोगों को जो जानकारी थी वो थोड़ा सा जानकारी का अभाव था, पूरी जानकारी नहीं थी, तो यहाँ पर पूरी जानकारी इनसे मिली है कि जो मानसून का यहाँ पर बताते हैं लोग, तो वो इस क्षेत्र के लिए है कि इस क्षेत्रवासियों का, मतलब ऐसा मानना शुरुआत से, पहली चीज़ तो ये कि 5000 वर्ष पुराना मंदिर है और इस क्षेत्र में जब मानसून आने वाला होता है तो उस मानसून आने से पहले ही इस मंदिर की गुम्बद के ऊपर से जो है पानी की कुछ बूंदें टपकने लगती हैं, वो मंदिर के अंदर ही गिरने लगती हैं, तो उससे यहाँ के क्षेत्रवासियों को अंदाज़ा लग जाता है कि अब वर्षा जो है इस वर्ष कैसी होगी, अच्छी होगी या मतलब कम ज़्यादा अभाव में होगी, जैसी भी होगी, तो उस मानसून की ये मतलब स्थितियाँ हैं जो सामने आई हैं। और कुछ विशेषता है यहाँ की पंडित जी? और विशेषता है कि यहाँ बिजली नहीं गिरती, लाइट जो कड़कती है ना इसी मान से जो गिरने वाली बिजली, वो बिजली नहीं गिरती क्षेत्र में, नहीं नहीं इस गांव में गिरती, क्षेत्र में गिरती है, इस गांव में गिरती, इस गांव में गिरती। एक विशेषता और यहाँ पर सुनने को मिली है कि इस क्षेत्र में मतलब जो बिजली है आकाशीय बिजली, तो वो इस क्षेत्र में तो कई बार लगभग देखने को मिला है कि गिरी है, लेकिन इस, हाँ इस मतलब इस गांव के बाहर तो आसपास सुनने को मिला है कि गिरी है, लेकिन इस मंदिर की वजह से ऐसा यहाँ के क्षेत्रवासियों का भी मानना और यह इनकी श्रद्धा है और विश्वास है कि इसकी विशेषता यही है कि इसकी वजह से यहाँ पर बिजली, आकाशीय बिजली या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक क्षति इस गाँव को नहीं होती है, ये इसकी विशेषता है। तो कुछ ना कुछ श्रद्धा या शक्ति कुछ ना कुछ तो होगी जरूर। तो इस मंदिर का निर्माण ये किस तरह से हुआ है, किसी ने तो इसको बनाया ही होगा? नहीं बनाया, किसी किसी की जानकारी में नहीं, ये मंदिर है, ये किसी किसी की जानकारी में नहीं है, किसी की जानकारी में नहीं है। मित्रों, ये मंदिर कब बना, किसने बनाया, किसी को भी इस विषय की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, भीतर गांव हम लोग होकर के आ रहे हैं, उसका भी उसकी भी कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी। सुना वहाँ पे बंजारे वगैरह ने जो अभी नया रिपेयर किया है, रिपेयर तो इसका भी होता रहता है, लेकिन बनाया किसी ने नहीं है, बनाया किसी ने नहीं है मंदिर। अच्छा, ये कड़वा सच है कि ये 5000 सालों पुराना मंदिर है। इसकी अंग्रेजों ने ख्वाहिश की है, पोलो रिसर्च भी हुआ है इसका, काफी वीडियो बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे हम लोग आए यहाँ पर अपने चैनल पर इसको दिखाने के लिए, इस मंदिर की विशेषताएं बताने के लिए, क्या और भी लोग यहाँ पर आते हैं? सैकड़ों आते हैं, सैकड़ों आए, और कभी विदेशी पर्यटक आए? खूब आए, आते रहते, खूब आते रहते। तो ये एक अच्छी बात है कि ये मतलब हम लोगों के लिए गौरव वाली बात है कि हमारे क्षेत्र में भी कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें आज हैं जिन पर न अपितु न केवल हम सभी यहाँ पर आसपास के क्षेत्रवासी आते हैं, अपितु बाहर के विदेशी पर्यटक और तमाम मीडिया कर्मी भी यहाँ पर आते हैं, आते रहते हैं इसकी विशेषताएं बताने के लिए। तो ये एक गौरव वाली बात हुई हम सभी के लिए। तो पंडित जी, क्या हम इस मंदिर को चारों तरफ से अपने शूट कर सकते हैं इस पे? तो यहाँ हमको जो है पंडित जी से जो है आदेश मिल चुका है, इस मंदिर को हम शूट कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस ब्लॉग पे दिखाते हैं चारों तरफ से, 360 डिग्री एंगल से भी इस मंदिर की विशेषताएं पूरी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं सीधे मंदिर की तरफ। आपका शुभ नाम पंडित जी क्या है? वीरेंद्र कुमार तिवारी। ये पंडित जी यहाँ के हैं जो, इनका शुभ नाम वीरेंद्र कुमार तिवारी है। तो ये हम लोगों को जो है आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम वाजपेयी हैं, नंदन वाजपेयी हमारा नाम है। अच्छा। और ये हमारे मित्र हैं अनुराग गुप्ता जी। तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और अच्छा लगा कि आपने इतनी जानकारियाँ दी।
और प्रसाद ये हम लोगों को मिल गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये एक आशीर्वाद है, ये प्रसाद मिलना ही अपने आप में बड़ी बात है। चलिए आइए चलते हैं, आपको अब मंदिर दिखाते हैं किस तरह से यहाँ की क्या विशेषताएं हैं। और आओ भाई अनुराग साथ में रहो, तो ये मंदिर शूट कर लेते हैं। और फिलहाल ये केले आओ पकड़ लेते हैं, केले बस ये करना पड़ेगा, क्या करोगे भाई। तो अब हम लोग जो है मंदिर को चारों तरफ से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये देखिए मैं आपको यज्ञ दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए मेरे ठीक पीछे यहाँ पर जो यज्ञ का आयोजन किया गया है, ये छोटे छोटे जो है जो भांडे होते हैं, बढ़िया होता है, हम लोग तो बढ़िया बोलते हैं, इस पे जौ लगाई गई है। और ये हमारे पीछे देखिए पंडाल जो है, यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो ये भी मतलब काफ़ी पीसफुल जो है यहाँ पर काफ़ी शांति, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो निगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों से दूर रहती है। तो चलिए अब आपको हम बैक कैमरे से दिखाने का प्रयास करते हैं। अनुराग बाबू आगे टहल रहे हैं, इसकी आकृति देखिए मित्रों, इसकी आकृति ही अपने आप में एक रोचक है, मतलब ऐसे इस तरीके की आकृति हमारे आगे आज के आधुनिक कुशल कारीगरों द्वारा शायद मुनासिब नहीं है बनाना इस तरीके की। ये जो हम लोग अब जो मंदिर हम लोग बनाते हैं, आइए आगे चलते हैं, यहाँ आवाज़ें क्लियर नहीं आ रही हैं। और ये मंदिर के आसपास का इलाका है, तो इसकी जो ये आकृति है, ये देखिए आपको दोनों तरफ से मैं शूट करके दिखाता हूँ। इसके मतलब जो खास बात हमको ये लगी है इस मंदिर की, कि आधुनिक समय में इस तरह के जो हम मतलब हम लोगों के जो मंदिर होते हैं, जो अब तक हम लोगों द्वारा बनाए गए हैं, हमारे पास हैं, तो हम लोगों के जो मंदिर होते हैं उनकी जो गुंबद होती है, उस वो पूरा मंदिर तो हम लोग का समूचा होता है, ऊपर से नीचे तक प्लेन होता है, लेकिन ऊपर गुंबद जो जिस तरह की बनाई जाती है, उस पूरी गुंबद की आकृति का ही यह मंदिर ही पूरा है। मतलब गुंबद तो अलग चीज़ है, पूरा मंदिर ही गुंबद के आकार का है, तो ये एक बड़ी बात है। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है इस मंदिर का, तो यहाँ से भी दूर से भी आपको लेकिन स्नैपशॉट दिखाएंगे। आप चश्मा लगा लेते हैं भाई। और अनुराग बाबू हमारे जो है आज काफ़ी थक गए होंगे, क्योंकि बाइक ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचाया हम लोग, हम मतलब सफ़र का मज़ा आ रहा है, सफ़र का मज़ा आ रहा है, हाँ जानकारियाँ भी हासिल हो रही हैं, नहीं नहीं हाँ जानकारियाँ भी लोग यहाँ पर दे रहे हैं और काफ़ी कॉपरेट कर रहे हैं, और मतलब छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ हम लोगों को जो है टीज कर रहे हैं, मतलब तो ये अच्छी बात है। अच्छा लोग एक बात और मैंने देखी है, मैं इस तरह से पहले मंदिर को आप लोगों को अनुराग इस तरफ आ जाऊँ, नहीं इधर 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 मैं आपको बता दूँ खास बात। देखिए मेरे पीछे ये मंदिर है, ठीक है, और इसकी खास बात ये है कि छोटे छोटे जो यहाँ पर बच्चे हैं, प्लस जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, वो विचित्र निगाहों से देखते हैं। जब भी कोई यूट्यूबर आ जाता है तो यूट्यूबर को खुद भी जो है अपने आप में जो है एक अजीब सा वातावरण महसूस होता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता भाई। तो हम लोग भी वैसे ही महसूस कर रहे हैं, जो हर इंसान आप लोगों में से भी कई लोग महसूस करते होंगे कभी ना कभी। तो खैर अपने को तो ब्लॉग करना है तो करना है, और फिलहाल ये अपने दर्शकों को अंदर से मंदिर दिखाते हैं, चल के अंदर से अनुराग कह रहा है, अंदर से दिखाते हैं आप लोगों, अंदर से मंदिर दिखाने का अनुराग बोल रहा है, तो देखते हैं अंदर से कैसा क्या नज़ारा है इसका, और ले चलते हैं आपको सीधे मंदिर की तरफ। ये मंदिर के बगल में तालाब, और काफ़ी अच्छा फिलहाल मंदिर अच्छा है। और ये देखिए ये आकाशीय बिजली की वजह से शायद ये लगाई गई है, ये जो प्लेट पड़ी हुई है
और इस मंदिर की खास बातें कुछ अभी अंदर चल के देखते हैं क्या है इस मंदिर के और भी अंदर। ये आयोजन यज्ञ का यहाँ पर किया गया है तो इसको भी देख लेते हैं। आइए सीधे मंदिर के अंदर चलते हैं। अनुराग बाबू और यहाँ पर अंधेरा है तो अनुराग से हम गुजारिश करेंगे थोड़ी टॉर्च अपने मोबाइल की टॉर्च अगर जला लें तो शायद बेहतर होगा। टॉर्च जला लो यार मोबाइल की। और ये क्या है यहाँ पर कोठरी है छोटी सी। ये क्या है यहाँ पर ये दोस्तों कुछ कोठरी टाइप की दिखाई दे रही है यहाँ पर। इधर दिखाओ राजू ये देखिए ये कुछ क्या है यहाँ पर जेल टाइप की कोठरी है। कुछ होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा। अरे मूर्ति यहाँ पर पड़ी हुई है ये देखिए आपको दिखाई नहीं देगी यहाँ मूर्ति है अंदर। चलिए कोई बात नहीं। और इस तरफ भी शायद कुछ होगा। इस तरफ क्या है अनुराग लगाओ इसके पीछे क्या इतिहास है अभी पूछेंगे हम बाहर चल के पंडित जी से। और ये देखिए यहाँ पर अंदर कुछ मूर्तियाँ हैं। और पास ले जाओ टार्च तुम पास ले जाओ भाई टार्च पास ले जाओगे तभी दिखाई देगा। तो मित्रों देख सकते हो आप यहाँ मूर्तियाँ हैं इसके अंदर इस दरवाजे के अंदर भी। और ये घंटी बजा लेते हैं। और ये एक और दरवाज़ा मिला है चलिए इसके अंदर भी झुक के जाना पड़ेगा। ओह और ये हमारे सामने आ गए हैं जगन्नाथ जी महाराज इनकी प्रेयर कर लेते हैं इसे पकड़े। ये हमारे नंदन जी बाबा का आशीर्वाद लेते हुए बड़ी सुंदर कारीगरी है इसमें बाबा के लिबास में। चलो भाई मैं दो दो चश्मे लगाने जा रहा था। चलो हमको गाड़ी चाबी दे दो। यहाँ इस मंदिर के बारे में किताब नहीं है हिस्ट्री डाल दो तो आ जाएगा। हाँ इसकी हिस्ट्री तो काफी खैर फेमस है। नंदन जी हाँ अब हम लोग ये आप लोग देख सकते हैं वापस निकल रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं हम लोग ये वापस जा रहे हैं और यहाँ से आप ये इसका मंदिर का लुकअप ले सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ चलती हुई नंदन जी हमारे बाइक ड्राइव कर रहे हैं। सो फाइनली हम लोगों ने मंदिर शूट कर लिया है और अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं। ब्लॉग पर आप लोग देखिएगा एडिट करने के बाद आपको दिखाई देगा कि ये मंदिर जो है किस तरह से शूट किया गया है और क्या क्या विशेषता इस मंदिर के बारे में हम लोगों ने बताई हैं। तो उम्मीद करेंगे ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अब वापसी का रास्ता भाई नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि थके हुए तो सीधे घर जाएंगे। तो होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग इन नेक्स्ट वीडियो। कोई और अच्छा सा अगर ब्लॉग आपको इसी विषय का देखना है ऐतिहासिक रहस्यमयी तो आप खुद ही बताइए और चैनल को भाई सब्सक्राइब करते जाइए तभी आनंद आएगा।
और खुद भी हमको बताइए कहाँ जाएं, क्या करें, कौन सा मतलब क्या दिखाएं आपको, क्या शूट करें। तो वही वही हमको शूट करके दिखाना है आपको। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है वो बेटा का बुजुर्ग मंदिर जिसके बारे में रोचक तथ्य आज जानने को मिले हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।